दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल एंड डिजिटल सूरज पे। आज मैं आपको बिहार में EWS सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा पूरी डिटेल में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्विस प्लस बिहार टाइप करना होगा। उसके बाद आपको ये सेकेंड लिंक RTPS2 ओपन करना है। फिर आप यहाँ एक टैब देख रहे होंगे, खुद का पंजीकरण। ये टोटल वेबसाइट हिंदी में है तो आप इसे देख लेना। आपको यहाँ अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होगा और एक अपर एंड लोअर केस लेटर है, और उसके बाद कोई भी आप डिजिट डाल सकते हो। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद आप आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है जो कि बिहार, और उसके बाद आपको कैप्चा फिल करके वैलिडेट करना है। आप जैसे ही वैलिडेट करोगे, आपको आपके मोबाइल पे और ईमेल पे एक OTP जाएगा। आपको उस OTP डालने के बाद सबमिट करना है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन का टैब दिख रहा होगा, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन के लिए आपको अपना पासवर्ड और आईडी डालना है। सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है और मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ एक दिया गया टैब है लॉगिन टैब, अब मैं लॉगिन टैब पे जाऊंगा और लॉगिन कर लूंगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया है। ये लॉगिन इंटरफेस खुल चुका है बिहार का, बिहार एप्लीकेशन का। आपको यहाँ पे एक टैब दिख रहा होगा अप्लाई फॉर सर्विसेज, आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करना है और उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको देख रहे हैं कि यहाँ बिहार का पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जहाँ जहाँ अप्लाई करना है वो ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे जाना 100 एंट्री पे और 100 क्लिक कर लेना तो आपको पूरा एक पूरे इंटरफेस में दिखने लगेगा। आप फिर उसके बाद कंट्रोल एफ करना और इकोनॉमिक टाइप करना। ओके, तो हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 32 नंबर पे एक टैब है इश्यूएंस ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट एट CO लेवल। ओके, आप CO लेवल पे कर सकते हैं, आप DM लेवल पे कर सकते हैं, आप SDO लेवल पे कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप CO लेवल पे करो ताकि आपका सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बन जाए। आपको CO लेवल के पे लिंक पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डिटेल भरना है। ये पूरा डिटेल है, आपको इस डिटेल को पूरा फिल करना है। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र है। ओके, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु लाभ आरक्षण अंतर्गत आच्छादित नहीं है। ओके, ये जनरल के लिए है जो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में फॉल करते हैं, कैटेगरी में फॉल करते हैं। ओके, तो आप इसे फिलअप कर लेना, बहुत ही इजी है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन हो चुका है, ये मैंने अप्लाई कर चुका हूँ। ठीक, ये कुछ क्राइटेरिया है जो आपको मेंटेन करना है इसमें। जैसा कि मैं आपको एप्लीकेशन के बाद बता दूं कि उसके बाद क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन को प्रिंट करना है। ओके, प्रिंट करने के बाद आपको इसको सेव करके और प्रिंट आउट लेके आपको आपका जो नजदीकी RTPS सेंटर, आपका जो ब्लॉक है, वहां आपको जमा कर देना है। इसके साथ आपको इस एप्लीकेशन के साथ एक आपको इनकम सर्टिफिकेट आपका और आपको अपना आधार कार्ड अटैच करके आपको अपने RTPS सेंटर पर जमा कर देना है। ओके, फिर उसके बाद आपको एक मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपको आपका फोटो वेरिफिकेशन होगा, आपका फोटो वेरिफिकेशन होगा। आपको फोटो वेरिफिकेशन के दिन जाना है, आपको फोटो वेरीफाई करवाना है। उसके नेक्स्ट डे आपको एक लिंक आएगा, आपको आप अपना EWS सर्टिफिकेट आप ऑफलाइन भी जाके ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, हो चुका है। ऑनलाइन आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको एक बार फोटो वेरिफिकेशन के लिए आपको RTPS जाना होगा,
आपका आधार कार्ड का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा, आप 10% का लाभ उठा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में। लिंक होगा अप्लाई करने का, तो और जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप इसको अप्लाई कीजिए और जो भी आपको गवर्नमेंट बेनिफिट होता है आप उसका लाभ उठाइए। और इसके साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।